पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट ले जाने वाली एम्बुलेंस को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करने के लिए इस्तेमाल की गई एम्बुलेंस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। एम्बुलेंस की रजिस्ट्रेशन नंबर के फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाने के बाद से इस संबंध में बाराबंकी कोतवाली थाने में एक मामला दर्ज किया गया। बाराबंकी की नगर कोतवाली में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा बाराबंकी एआरटीओ की तहरीर पर दर्ज किया गया। दरअसल पुलिस जांच में रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और मकान का पता फर्जी पाया गया है, जिसके चलते डॉक्टर अलका राय के नाम से एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन है। उनके खिलाफ पुलिस ने ये केस दर्ज कर लिया। कई धाराओं में केस दर्ज करके पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। विगत दिनों से मीडिया के माध्यम से एक एम्बुलेंस के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसका वाहन संख्या UP 41 80 7171 एम्बुलेंस परिवहन कार्यालय बाराबंकी में पंजीकृत था। परिवहन विभाग द्वारा इसके बारे में सूचना इकट्ठा की गई। सभी विभाग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी से सूचनाएं लेकर के इसमें जानकारी की गई। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफीनगर में स्थित नहीं है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 419, 20, 67, 68, 71 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब आगे इसमें जितने भी कंसर्निंग लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड बनाने में या इसमें शामिल लोग हैं, उन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस नजर आई। तभी से मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला कि मुख्तार 2013 से ही इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। अलका राय के अस्पताल के नाम से 2013 में ही इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ। गाड़ी का पैसा भी मुख्तार ने ही दिया था। बाद में कागज को ट्रांसफर कराने की बात सामने आई, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसे में अब मुख्तार अंसारी की पेशी के दौरान इस्तेमाल हुई एम्बुलेंस के मामले ने तूल पकड़ लिया है। न्यूज डेस्क।